नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के खास ऑडियो बुलेटिन में। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। पीएम मोदी ने किया 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, बोले हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में लगातार विकास। कांग्रेस छोड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले और अपमान बर्दाश्त नहीं, बीजेपी में शामिल होने से भी करा इनकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खोला कपिल सिब्बल के खिलाफ मोर्चा, बोले कपिल सिब्बल हमारे वरिष्ठ नेता और वकील हैं, उनका इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण। किसान आंदोलन के चलते बाधित दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कड़ी सुनवाई, कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह से स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक, 15 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश। जेफ बेजोस को पीछे छोड़ एलॉन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एलॉन मस्क दुनिया के तीसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने $200 बिलियन नेटवर्थ के आंकड़े को किया पार। कोविड के बारे में गलत सूचना पर क्रैकडाउन, एंटी वैक्सीन कंटेंट को यूट्यूब ने ब्लॉक करने का किया ऐलान। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी में दर्ज की गई उछाल, बिनांस कॉइन में 11% से ज्यादा देखी गई उछाल। T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तान देखना चाहते हैं सुनील गावस्कर, और कप्तान के लिए सुझाए ऋषभ पंत का नाम। 2022 के पहले महीने की 6 तारीख को रिलीज होगी गंगूबाई काठियावाड़ी, आलिया भट्ट ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।